बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शुक्रिया। तो सीन कुछ ऐसा है कि कल यानी जुमारात के दिन मेरे भाई की इंगेजमेंट है, मंगनी है। तो उसकी शॉपिंग मैंने पिछली प्रीवियस वीक की थी। इस वीक मैंने एक जोड़ा पसंद किया था कपड़े का, तो वो मैंने दर्जी को उसी टाइम दे दिया था। तो अभी 1 घंटे पहले इसकी कॉल आई थी कि आ जाओ भाई, आपका कपड़ा, आपका ड्रेस, आपका सूट रेडी है। तो मैंने बस फिर घोड़े पर सवार होकर वहाँ चला गया दर्जी दर्जी के दुकान पर, वो पैसे देकर अपना ड्रेस वापस ले लिया। तो अभी मैं आपको अपना ड्रेस और जो भी मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है अपनी भाई की इंगेजमेंट के लिए। तो मैं आपके साथ वो सब शेयर करूँगा। तो ये अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये है सूट मेरा जो वाइट कलर के हैं, मेरा ब्लैक कलर का था एक, तो इसलिए मैंने वाइट का एक लिया। मैंने ये भी एक कपड़ा 1800 रुपये का लिया था और इस दर्जी ने इसको 1100 में बनाया, तो महंगाई की वजह से 1100 लिए, क्योंकि अर्जेंट था तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा पैसे लिए मुझसे। तो महंगाई बहुत है तो इसी वजह से ये मैंने 1800 का लिया सिर्फ कपड़ा। 5 गज़ का होता है कपड़ा उमूमन, तो 1800 का लिया मैंने बाज़ार में, और एक हफ्ते में दो अर्जेंट था तो इसलिए ज़्यादा पैसे लिए। उमूमन 800 रुपये पर जोड़ा बनता है यहाँ पर। सिलवाई सिलवाई का जो भी काम होता है वो 800 से 900 तक करता है, लेकिन मेरा अर्जेंट काम था तो इसलिए 200 रुपये ज़्यादा लिए, 1100 पे ये बनाया। तो ये है मेरा नया एड्रेस, और मैं कल कल 2 बजे के बाद प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो फिर मैं उसको पहनूंगा। तो फिर मैं ये पहनूंगा, और मैंने जो जूते लिए थे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस पर जो टोटल ख़र्चा आया वो है तो इस पर जो टोटल ख़र्चा आया वो 1100 जमा 1800, तो 2900, तो 2900 रुपये इस पर ख़र्चा आया। इतनी महंगाई है भाई साहब, लेकिन क्या करें, लेना ज़रूरी था इसलिए लिया मैंने। मेरे और भी बहुत से थे लेकिन वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि इस मौका पर, इस सिचुएशन पर मैं नए कपड़े ज़रूर पहनूंगा, नए ड्रेस। सब कह रहे थे कि नया ड्रेस ख़रीदो अपने लिए, तो ये है आपके सामने। इसको मैं कल पहनूंगा, फिर कल के व्लॉग में आप इसको ज़रूर देख पाएंगे, मे बी यही हो या कुछ। अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ अपने शूज़। इसको मैंने एक बार ओपन किए थे घर में सबको दिखाने के लिए, तो अभी इसको देखते हैं। इसमें थे ये एक और ये दूसरे भी था, दूसरे का किधर गया, और तो भाई साहब ये डब्बा है इसका, आप देख सकते हैं। उस दुकानदार का नाम इमरान शूज का, ये उसका नंबर है शायद, नहीं सॉरी जूते का नंबर है, ये पता नहीं जो भी है, बस साइज है 11। तो अभी इसको देखेंगे। ये जैसे ही मैंने लिए तो मैंने इस पर गंड कराया, हम तो गंड ही बोलते हैं पश्तो में, लेकिन पता नहीं उर्दू में इसको क्या बोलते हैं। ये उसकी मजबूती के लिए होता है ये सारा, आप देख सकते हैं।
वो मुंशी के पास जब मैं गया तो उन्होंने इतने इसको गंदा किया कि मैं क्या बताऊं। आप लोग को तो पता होगा कि वो ज़मीन पर बैठते हैं तो सारे चप्पल जितने भी होते हैं वो उसके गोद में होते हैं, तो सारा घर सारा धुआं उसके कपड़ों पर लगा होता है, तो ये सारे गंदे कर दिए उसने। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये मैंने इस ताकि कभी ख़राब ना हो, तो इसलिए मैंने इस पर ये किया, इसके लिए ये दोनों पर किया मैंने। इसका भी आप देख सकते हैं, ये एक मुकम्मल मेरा एक दोस्त का भाई है, वो ये काम करता है, यहाँ स्टेशन में बैठता है वो, स्टेशन के करीब उसकी एक ख़ास जगह है वहाँ होता है। तो वैसे तो 200 रुपये आते थे लेकिन उस टाइम से 100 रुपये लिए, क्योंकि मैं उसके भाई का दोस्त हूँ तो इसलिए उसने मुझसे 100 रुपये कम लिए। तो ये आप बाकी देख सकते हैं इसको, ये लोगो आप देख सकते हैं इस पर, नाइक का है शायद, हाँ नाइक का है, नाइक का लोगो है। तो ये लोगो आप देख सकते हैं, ये नाइक का निक है या नाइक है जो भी है, लेकिन आई थिंक इसको लोग निक बोलते हैं, निक कंपनी का लोगो है। मैंने पिछली बार एक बैग भी लिया था जब मैं सेकंड ईयर में था, तो मैंने अपने लिए एक बैग भी लिया था निक का। मैं उमूमन इसी ब्रांड का चीज़ें यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। ये आप देख सकते हैं पीछे भी इसका लोगो है निक का, इसका साइज़ भी आपको लोग को दिखा देते हैं, 44 साइज़ है इसका, ये आप लोग देख सकते हैं 44। मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, 6.2 है, अभी मैंने मैया नहीं की लेकिन 6.2 थी जब मैंने पिछले साल की थी मैया। तो जब बंदे का हाइट ज़्यादा होता है तो यकीन ही बात है कि उसके पैर भी बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, और इसका जो पाँव का साइज़ होता है वो भी बड़ा होता है। तो बात ऐसी है कि मैं अपने फैमिली में सबसे लंबा हूँ हाइट में, तो इसलिए मेरे पाँव का जो साइज़ है जो नंबर है वो भी सबसे बड़ा है। ये भी आप देख सकते हैं 44 का ये है, और मैंने एक कोट भी लिया था लेकिन पता नहीं अभी मिल नहीं रहा, इतनी एक्साइटमेंट में लिया था कि पता नहीं अब कहाँ रह गए। तो कल मेरे भाई की इंगेजमेंट है तो इसी वजह से जितने भी जो भांजे वो सब आए हैं यहाँ पर हमारे घर, रात पर यही रुकेंगे और फिर कल जो होगा प्रोग्राम तो कल फिर वो प्रोग्राम में शिरकत करेंगे सब। तो वो सब इतना हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि मेरे सारे सामान जो था वो कहीं गुम कर दिया। अब टाइम हो रहा है ईशा की नमाज का, तो नमाज पढ़ेंगे और फिर देखेंगे अपनी चीज़ों को कि कहाँ पर रखा है। तो ये तो था हमारा सारा जो सिस्टम। मैंने सोचा था कि अब लोगों को अपना शॉपिंग दिखाऊंगा, और भी था बहुत कुछ लेकिन पता नहीं कहाँ रख दिया इन लोगों ने। तो अभी तो ये सब था, कल भी इंशाल्लाह होगा सुबह सवेरे शॉपिंग। तो अपने भाई का जो इंगेजमेंट है उसको अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट कल का वीलॉग, तो आप लोगों को वो भी अच्छा लगेगा। कल का जो वीलॉग होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। तो ये तो था मेरा शॉपिंग, दो तीन जो अहम चीज़ें थी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी जैसे ही वीडियो हम ख़त्म करेंगे एंड करेंगे तो इन सारे सामान को जो ड्रेस है इसको प्रेस करूँगा फिर, और ये शूज़ इसको दुबारा साफ़ करूँगा, और अपनी अपनी जगह पर ये पहुँचाने भी हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।